हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और देखिए, आज हम गमले के लिए मिट्टी बना रहे हैं। गमले में पौधे लगाना है और ये फल वाले पौधे हैं, और उसके लिए कैसी मिट्टी हमें बनानी है वही मिट्टी बना रहे हैं। अगर आप लोग भी अपने टेरेस में या कहीं भी फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं और उसके लिए मिट्टी बनाना है, तो ये वीडियो आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप इसको देख सकते हैं कि कैसे बनाना है। देखिए, हमें गमले के लिए मिट्टी बना रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए, हम आप लोग को दिखाते हैं कि मिट्टी कैसे बनाना है। ये देखिए, एक हमने ये टब है, इसमें हमने मिट्टी ली हुई है, और ये नॉर्मल मिट्टी है, गार्डन सॉइल है। आप कहीं की भी ले सकते हैं। नॉर्मल मिट्टी अपने आसपास के गार्डन से ले सकते हैं, खेत से ले सकते हैं, जहाँ से आपको मिले आप इसको ले सकते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देख रहे होंगे आप मेरे हाथ में, ये गोबर की खाद है। हमने इसमें कुछ गोबर की खाद ऐड किया हुआ है, आप लोग भी ऐड कर सकते हैं। ये ज़रूरी होता है गोबर की खाद मिलाना, आपको मिलाना पड़ेगा। गोबर की खाद मिला लें। और ये देखिए बोन मील है, ये हमने नॉर्मल मिट्टी, गोबर की खाद और ये बोन मील आप लोग देख सकते हैं। इसके पहले मैंने थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने मिलाया है नीम खली, और वो इसलिए फ्रेंड्स कि उसमें पौधा जो आपका होता है उसमें फंगस ना लगे, इसलिए हमें मिलाना पड़ता है। और इस तरीके से देखिए, हमने अपनी मिट्टी में ये ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बोन मील मिलाएं या ना मिलाएं, आपके ऊपर है कि आप मिलाना चाहते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। और देखिए, इस तरीके से आप किसी की मदद से, खुरपी मदद से, जैसे भी हो, आप मिट्टी में मिक्स कर दें, इसका मिक्सर बना लें, और फिर अपने गमले या पॉट में भरें। और किस तरीके से भरना है और कैसे इसको लगाना है, थोड़ा सा अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिले, क्योंकि हम अभी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी मिट्टी बड़ी बड़ी है, यानी कि आप देख रहे होंगे थोड़ी बंधी हुई है, बड़े बड़े डिंगले हैं। आप जिसको डिंगले कह सकते हैं, जो भी आपके भाषा में हो, हमारे इधर तो इसे डिंगला कहते हैं। मिट्टी बड़ी होने मतलब डिंगला बड़ा बड़ा है। और ये देखिए, ये हमारा पौधा है, और हम क्या लगाने वाले हैं इसमें। देखिए, ये हमारा अमरूद प्लांट है, और जो खासकर गमले के लिए ही है, ये गमले वाली वैरायटी है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए, इसकी पौधे को आप देख सकते हैं ये किस तरीके से हमें मिला है। और हम इसको देखिए, इस तरीके से बैग में पैक होके आया है, और हमें इसे बैग से बाहर निकालना होगा, पॉली बैग से। और ये जो हमने मिट्टी बनाई है, इसी में हमें लगाना है। और कैसे लगाएंगे, तो चलिए हम पहले पौधे को निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग भी अपने पौधे को निकाल लें। देखिए ये आप, और फ्रेंड्स ध्यान रखें, जो पौधे आप गमले में लगाएं वो वैरायटी आपकी गमले वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये गमले के लिए ही है स्पेशल। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से ये बंधा हुआ है, और हमें ये पौधे जो मिला है पौधा, इसकी रूट नहीं निकालनी है। जिस तरीके से मिट्टी में बंद है, इसी तरीके से हमें सीधा लगा देना है, क्योंकि अगर आप इसकी रूट हटा देंगे या मिट्टी हटाएंगे, कुछ लेयर हटाएंगे, तो पौधा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको जिस तरीके से पौधा मिले, आपको सीधे ही मिट्टी में दबाना है, तो आप लोग दबा दें। और देखिए, ये देखिए पौधे की ग्रोथ देख सकते हैं आप, पौधा किस तरीके से है, क्योंकि ये ऑनलाइन आया है फ्रेंड्स। अगर ऑनलाइन से के बारे में कहाँ से मंगाया है ये जानना चाहते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि कहाँ से हमने ये प्लांट मंगवाए हुए हैं, तो आप लोग भी मंगवा सकते हैं, उस वीडियो में आप देखें। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गमला लिया हुआ है, और इसमें देखिए गमले में ध्यान रखें, जब भी कोई भी पौधा लगाएं, चाहे फ्रूट प्लांट हो या कोई भी पौधा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात होती है कि इसके जो ड्रेनेज होल होते हैं, इसको बंद कर दें, क्योंकि अगर आपने ड्रेनेज होल सही से नहीं किया, अगर आपके गमले में सही से होल भी नहीं होंगे, तब भी आपका पौधा मर जाएगा। और अगर आपने इनको सही से बंद नहीं किया, तब भी आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए इनमें कोई पत्थर वगैरह ज़रूर रख दें, क्योंकि कई बार मिट्टी पत्थर हम लोग नहीं रखते, होल कर देते हैं, और मिट्टी से होल जो है, ड्रेनेज होल दब जाते हैं, ढक जाते हैं, जिससे पानी हमारा नहीं निकल पाता है, और हमारे पौधे ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा पानी, ज़्यादा देर तक मिट्टी गीली रहती है। और ये देखिए, यहाँ भी हमने थोड़ा सा ये गोबर की खाद लिया हुआ है, पहले मिट्टी डाली है, फिर गोबर की खाद,
और देखिए ये हमने पौधे को रख दिया है, आप लोग देख सकते हैं हमने पौधे को जैसे हमें पौधा मिला है उसी हालत में इसको रख दिया है। इसके साथ कोई छेड़खानी हम लोगों ने नहीं किया है, क्योंकि इसमें छेड़खानी करेंगे तो पौधा आपका टिकेगा नहीं। और ये देखिए ये कि ये खाद है, ये खाद ऑर्गेनिक है, इसको डालना पौधे में बहुत ज़रूरी है। और हम इसको लगभग 2-3 चम्मच डाल देते हैं, 2 से 3 चम्मच, और फिर इस तरीके से पौधा रख देते हैं। ये जो हमने खाद डाला हुआ है बीच में डाला हुआ है, और इसके बाद हम लोग मिट्टी डालेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी लगा सकते हैं। और ये गमले में लगाने के लिए जो इस तरीके के जो फ्रूट प्लांट होते हैं बहुत ही आसानी से गमले में ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड्स आप लोग भी लगाइए, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप लोग घरों में लगा सकते हैं, अपने टेरेस पे लगा सकते हैं। और इसमें नीम खली ज़रूर मिलाएं, क्योंकि अगर नीम खली नहीं मिलाएंगे तो फंगस लगने का चांस रहता है, क्योंकि ये कई जगह से हो करके पौधे हमारे पास पहुँचते हैं। तो नीम खली ज़रूर अपनी मिट्टी में ऐड करें। और देखिए इस तरीके से गमले को आप फिल कर दें, पूरा भर दें, और भरने के बाद इसमें आपको पानी देना है, और इस तरीके से लगाएं ताकि पौधा सीधा रहे। कई बार हम लोग लगा देते हैं पौधा इधर उधर हो जाता है। फ्रेंड्स जब भी ज़्यादा सबसे अच्छी बात होती है कि जब कोई आप पौधा मंगाएं फ्रेंड्स ऑनलाइन, तो जो पौधे का साइज़ देख लें पहले, आप पौधा आपका कितना बड़ा है, जिस हिसाब का पौधा हो उसी हिसाब का पॉट सेलेक्ट करें, क्योंकि कई बार होता है पौधा हमारा छोटा होता है और बहुत बड़े गमले में हम लगा देते हैं, इससे भी पौधे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लगने में। देख सकते हैं आप लोग, हम लोग ज़्यादा बड़ा पॉट अभी नहीं लिए हैं, बाद में हम इसे दूसरे गमले में रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इतना ही गमला लिया है, क्योंकि पौधा अभी छोटा है तो पौधे का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर पौधा छोटा बड़ा है उस हिसाब से आपको गमला भी लेना है, क्योंकि जब ज़्यादा छोटा पौधा रहेगा गमला बड़ा होगा तो उसमें भी पौधे की ग्रोथ बहुत धीरे धीरे होती है। इसलिए आप लोग गमले का ध्यान रखें, पौधे के हिसाब से गमला लें और इस तरीके से लगा दें। जैसे ही आपके पौधे की ग्रोथ हो जाए, ज़्यादा हो जाएगी, तो आप इसको दूसरे गमले में रिपोर्ट कर दें। और फ्रेंड्स देखिए ये लग चुका है, आप इसमें पानी डाल दें। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देखिए ये हमने डाल दिया है पानी, और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने पानी डाल दिया है इस तरीके से। और फ्रेंड्स शुरुआत में जब पौधे में पानी दें तो इतना पानी दें कि पौधे में पानी देने के बाद गमले से नीचे से पानी निकलने लगे, क्योंकि पूरा पानी देना है पहली बार में, तो हमें इस तरीके से पानी देना है, फुल पानी देना है पौधे को। देखिए फ्रेंड्स हमारा पौधा लग चुका है, और ये देखिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।